Namaskar, main hu Karishma Kaushikk, Jai Shri Radhe. As you know, I am a tarot card reader, numerologist, astrologer and a spiritual healer. तो आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है रक्षाबंधन, क्योंकि रक्षाबंधन हमारे बहुत ही नज़दीक है और ये ऐसा पर्व है जो साल में एक बार आता है और बहन भाई के जो प्रेम का प्रतीक होता है उसको ये दर्शाता है। तो रक्षाबंधन इस बार पड़ रहा है 26 अगस्त 2018 को। 26 अगस्त 2018 जो इस समय जो राखी जो इस डेट पे है, तो ये 4 साल बाद इसका बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त निकल रहा है। 4 साल बाद ऐसा योग बन रहा है जिसमें कि भद्रकाल का साया नहीं है। भद्रकाल का साया मैं आपको अगर बताऊं तो भद्रकाल में राखी करने से, अगर आपका भद्रकाल में साये में राखी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अशुभ फल भी देती है भाइयों को भी और बहनों को भी। मगर इस बार बहुत ही अच्छी बात है कि भद्रकाल का साया इस बार राखी पे नहीं है और जो चंद्र ग्रहण का जो 40 दिन थे वो भी अब साया कम हो जाएगा और राखी वाले दिन तक ख़त्म हो जाएगा और घनिष्ठा नक्षत्र इस राखी में पड़ेगा, तो बहुत ही शुभ समय रहेगा। मगर इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि राखी जो है राहु काल के बीच में ना करें। राहु काल जो है वो 4:30 बजे शाम को और 4:30 से 6 बजे तक का समय है शाम का। तो इस समय आप ध्यान रखिए कि इस समय अपने भाइयों को राखी ना कीजिए। और इसके साथ ही साथ 12 राशियों की हम बात करेंगे कि किस तरह 12 राशियों की महिलाओं को अपने भाइयों को राखी बांधनी चाहिए, कौन सा तिलक करना चाहिए, क्या कुछ खिलाना चाहिए, इन सब बारे में हम बात करेंगे। मगर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि इस बार राखी का ऐसा कोई प्रॉपर मुहूर्त नहीं है। इस बार आप पूरे समय पे राखी कर सकते हैं सिवाय राहु काल के। राहु काल फिर मैं आपको एक बार बता रही हूँ 4:30 से 6 बजे तक शाम का है, तो उसमें आप राखी मत कीजिएगा। बाकी आप सुबह से लेकर शाम तक राखी कर सकते हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले जो महिलाएं हैं, जो कन्याएं हैं, जो अविवाहित हैं या विवाहित हैं, अगर उनके भाई मेष राशि से, जिनकी चंद्र राशि मेष है, अगर उनके भाई की मेष राशि है तो वो अपने भाइयों को लाल रंग की राखी बांधें। इसके साथ ही साथ उनको लाल चंदन का टीका लगाएं, साथ में मुंह मीठा मोतीचूर के लड्डू से कराएं, उनके लिए बहुत शुभ रहेगा और आपका भी सौभाग्य बढ़ेगा। बात करते हैं अगली राशि की, वृषभ राशि की। वृषभ राशि की अगर बात करें तो जिन भाइयों की राशि चंद्र राशि वृषभ पड़ रही है तो उनको बहनें क्या कौन सी राखी बांधे, राखी बांधे चांदी की या फिर चंदन की, और इसके साथ साथ सफ़ेद चंदन का तिलक करें और रसगुल्ला या फिर सफ़ेद बर्फ़ी उनको खिलाएं, काजू कतली उनको खिलाएं, आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं अगली राशि की, जेमिनायंस यानी मिथुन राशि वालों की। जिन लोगों की, जिन महिलाओं के भाई मिथुन राशि के जातक हैं तो उनको हरे रंग की राखी बांधें और साथ में पान ज़रूर खिलाएं, क्योंकि पान जो है वो भी एक प्रेम का प्रतीक है। और इसके साथ ही साथ आजकल पान वाली मिठाई भी आ रही है, अगर पान नहीं खाते हैं आप लोग तो पान वाली मिठाई भी खिला सकते हैं। साथ ही साथ लाल रोली से तिलक कीजिएगा अक्षत के साथ, आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं हम अगली राशि की, कर्क यानी कैंसर। तो कैंसेरियंस, आप लोगों को चंदन की राखी बांधनी है। जैसे कि मैंने बताया था पहले, मैं ये बहनों के लिए बता रही हूँ, जो बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगी, चंदन की राखी आपको बांधनी है, साथ ही साथ आप चांदी की भी राखी बांध सकते हैं। सफ़ेद चंदन का प्रयोग कीजिए और पंचामृत अगर आप पिला सकते हैं या खिला सकते हैं तो पंचामृत ज़रूर पिलाइएगा, और इसके साथ साथ सफ़ेद रसगुल्ले से मुंह मीठा कराइएगा, आपके लिए रहेगा बहुत ही ज़्यादा शुभ। बात करते हैं हम सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की अगर बात करें तो ऑरेंज, मजेंटा, येलो या मेहरून, ये 4 रंग आप लोगों के लिए हैं। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कलर्स में, तो आपके 4 रंग में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अनार ज़रूर दीजिएगा अपने भाई को, अनार ज़रूर खिलाइएगा, उस दिन आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। और मीठे में अगर बात करें हम तो मोतीचूर के लड्डू खिलाइएगा, आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा शुभ रहेगा। और तिलक जो करना है लाल रक्त चंदन से करना है, आपके लिए रहेगा शुभ और सौभाग्यशाली। बात करते हैं हम कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों की अगर बात करें तो कन्या राशि वालों को जो विर्गो यानी विर्गो जो राशि वाले हैं उनको हरे रंग की राखी बांधनी है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि पान के पत्तों की माला बना करके, जैसे बंदरवाल होता है पान के पत्तों का बना करके, अपने भाई के घर के द्वार पे लगाएं और उस पे राम राम लिखें,
चमेली के तेल और सिंदूर से राम राम लिखें, आपके भाई के लिए शुभ रहेगा, सौभाग्यशाली रहेगा उनका जीवन, और इसके साथ ही साथ आपको भी उस चीज़ का फल प्राप्त ज़रूर होगा। और इसमें आपको क्या करना है ये मैं बताती हूँ, क्या खिलाना है ये भी मैं बताती हूँ आपको। उसके साथ साथ उनको इलायची, जिसमें ऐसी कोई मिठाई जिसमें इलायची मिली हुई हो या फिर पिस्ता मिला हुआ हो, आपको वो खिलाना है। इसके साथ ही साथ आपको जो टीका है वो रोली का करना है अक्षत के साथ। आप लोगों का भाग्य शुभ रहेगा और अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा पर्व जाएगा आपका। बात करते हैं हम अगली राशि की, यानी तुला, लिब्रेंस की अगर हम बात करें तो लिब्रेंस आप लोग इस तरह की राखी का प्रयोग कीजिएगा जिसमें चंदन की राखी हो और साथ में कहीं ना कहीं मोर पंख ज़रूर लगा हो, मोर पंख लगा हो या फिर कृष्ण जी बने हो, ऐसी कोई राखी का प्रयोग कीजिएगा। साथ ही साथ चांदी की कटोरी में या चांदी के चम्मच से आप अपने भाई को कुछ भी मीठा खिलाइएगा सफ़ेद रंग का, यानी आप कुछ रसगुल्ला अगर खिलाएं तो चांदी के चम्मच से खिलाएं या चांदी की कटोरी में रख के खिलाएं, आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। और इसके साथ साथ सफ़ेद चंदन से उनका तिलक करें और थोड़ा सा दही का भी तिलक करें, आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं हम अगली राशि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस की अगर मैं बात करूँ तो लाल रंग की राखी बांधिए और इसके साथ साथ मोती चूर के लड्डुओं का आप भोग लगाएं, शुभ रहेगा आप लोगों के लिए भी। और इसके साथ साथ रक्त चंदन का तिलक कीजिए। बात करते हैं हम अगली राशि की, स्कॉर्पियंस के बाद हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों की जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो धनु राशि वाले पीले रंग का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा, पीली राखी बांधिएगा या गोल्डन कलर में भी आप जा सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा आप लोगों के लिए। और इसके साथ ही साथ आप बेसन के लड्डू ज़रूर खिलाइएगा अपने भाई को, बेसन के लड्डू खिलाइएगा, साथ ही साथ पीले चंदन से तिलक कीजिएगा, आप लोगों के लिए भी शुभ रहेगा। बात करते हैं हम मकर की, तो अगर हम मकर की बात करें तो नारियल ज़रूर दीजिएगा अपने भाई को, जो बालों वाला नारियल होता है ब्राउन वाला वो ज़रूर दीजिएगा। और इसके साथ ही साथ आप अपने भाई को नीली या पर्पल राखी बांध सकते हैं, आप लोगों के लिए भी शुभ रहेगा। और तिलक जो करना है आप वो पीले चंदन से भी कर सकते हैं। बात करते हैं मकर के बाद कुंभ की। कुंभ की अगर हम बात करें तो नीला, ब्राउन, पर्पल, मजेंटा, ब्लैक तो नहीं बांधते, खैर मेहरून बांध सकते हैं, ये सारे कलर्स आप बांध सकते हैं, आप लोगों के लिए रहेगा बहुत ही ज़्यादा शुभ। और अगर बात करूँ मैं कि क्या ऐसा करना चाहिए, तो जब आप अपने भाई के लिए थाली तैयार कर रहे होंगे उसमें जायफल ज़रूर रखिएगा। जायफल रखने से आपका जो सौभाग्य है वो बढ़ेगा और खुशहाल रहेगा। और इसके साथ साथ तिलक जो आप कीजिएगा वो लाल चंदन से कीजिएगा, आप लोगों का शुभ रहेगा। बात करते हैं अंतिम राशि पाइसेस यानी मीन की। मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूँ तो मीन राशि वालों को पीले रंग की राखी बांधनी है, साथ में गोल्ड में भी जा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अफोर्डेबल है, अगर आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो सोने की राखी भी बांध सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। और इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तिलक की तो पीले चंदन से तिलक कीजिएगा और साथ ही साथ बेसन के लड्डू ज़रूर खिलाइएगा और अपने भाई के सर से वार करके पीले दाल जो होती है चने की वो अपने भाई के सर से वार करके दान में दीजिएगा राखी वाले दिन। आपके भाई का जो अगर कोई कर्जा होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो उस चीज़ से मुक्त हो जाएंगे। तो ये तो हुई राखी की बात। और इसके साथ ही साथ मैं एक वर्कशॉप लेके आ रही हूँ जिसमें क्रिस्टल हीलिंग्स की वो वर्कशॉप है, बेसिकली क्रिस्टल थेरेपी की वर्कशॉप है, जो कि 5 सितंबर को है, जिस दिन टीचर्स डे मनाया जाता है। जैसे कि कहते हैं कि उनका टीचर्स डे बच्चों का मनाया जाता है, तो उस दिन मैं वर्कशॉप लेके आ रही हूँ। तो आप लोग जो है मेरी वर्कशॉप अटेंड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें मैं सिखाने वाली हूँ, उसमें बताने वाली हूँ, और एनर्जी एक्सचेंज इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। तो कोशिश कीजिएगा आप अटेंड कीजिए, और मेरा नंबर है 9582077690 इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। कॉफ़ी कप विद करिश्मा इज़ माई पेज, और www.pentacledesire.com इज़ माई वेबसाइट। तो
तो आप मुझे फॉलो कीजिए, मेरा यूट्यूब पर चैनल है करिश्मा कौशिक के नाम से, आप वो भी फॉलो कीजिए, और बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, जय श्री राधे।